सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में पत्र करेंगे। हमारा पत्र है, सड़क पर चलने के नियम बताते हुए मित्र या सखी को पत्र लिखिए। यानी हम अपने मित्र को बताएंगे कि सड़क पर चलने के क्या नियम होते हैं, तो हम उसको पत्र के द्वारा समझाएंगे। अब ये पत्र कैसे लिखा जाएगा, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर मैंने लिखा है परीक्षा भवन, है ना। तो यानी कि यहाँ पे जहाँ हम पत्र भेज रहे हैं वहाँ का पता लिखा जाता है। तो आप वहाँ का पता लिखेंगे, आप परीक्षा भवन भी लिख सकते हो। फिर आप लिखोगे कुशेत, फिर दिनांक, जो दिनांक होगी जिस दिन आप पत्र लिखेंगे वो यहाँ पे दिनांक डालेंगे। फिर जिसको पत्र लिख रहे हैं, आपकी सहेली है, जो अगर आपकी सहेली है प्रिय सखी लिखेंगे, अगर मित्र है तो मित्र लिखेंगे। तो मैंने लिखा प्रिय सखी कोमल, फिर उसको नमस्कार लिखेंगे आपने। फिर आप पत्र लिखना शुरू करेंगे, बीच में एक लाइन छोड़नी है, फिर आप पत्र लिखेंगे। जैसे तुम पहली बार गांव से शहर आई, ठीक है ना। यानी कि वो उसकी सहेली जो थी वो पहले कहाँ रहती थी, गांव रहती थी, और वो पहली बार कहाँ आई है, शहर आई है। इसीलिए मैं तुम्हें सड़क पर चलने के नियम के बारे में बता रही हूँ। सड़क पर हमें सदा बाईं ओर चलना चाहिए, बीच सड़क में कभी नहीं चलना चाहिए। जहाँ पटरी हो पटरी पर ही चलना चाहिए, जो ये निशान बनाए होते हैं ना उसी पर हमें चलना चाहिए। सड़क पार करते समय सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? हाँ जी, बिल्कुल सही, दाएं बाएं यानी दोनों ओर देख लेना चाहिए। यदि कोई वाहन आ रहा है तो एक तरफ रुक जाना चाहिए। वाहन यानी कि कोई गाड़ी भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर कोई आ रहा है तो हमें क्या होना चाहिए, रुक जाना चाहिए। चौक पर लगी हरी और लाल बत्ती के संकेत का ध्यान रखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। हमने देखा है ना, जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती लगी होती है, तो हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए। और जब लाल हो यानी रुके होते हैं तभी हमें सड़क पार करनी चाहिए। यानी तेज गति से आ रहे वाहनों से पहले सड़क पार करने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आगे आप लाइन छोड़ के फिर एक लिखेंगे, आशा है कि आप इन बातों का ध्यान रखकर ही सड़क पर चलोगे। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, तुम्हारी प्रिय सखी सिमरन। प्यारे बच्चों, आप इस पत्र को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। धन्यवाद।